आज हम लोग बनाएंगे रेखा जी स्टाइल के ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग, जो है 38 साइज। इसका 1/4 ले लेंगे, उसके साथ 2 ऐड कर लेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हम लोग पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, बाद में हम लोग फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे, क्योंकि ये कटोरी ब्लाउज है और ब्लाउज हमेशा ही बैक पार्ट की पहले कटिंग किया जाता है। तो फोल्ड में फोल्ड कर लिया है जो आया है। अब ब्लाउज का लेंथ ले लेंगे, जो हम ब्लाउज का लेंथ है 14 इंच, इसके साथ 1 इंच ऐड कर लेंगे, और शोल्डर 14 इंच है, उसका हाफ कट लेंगे 7 इंच, उसके साथ और हाफ ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये बैक बंद ब्लाउज है। जितना शोल्डर लिया है उतना ही आर्म होल लेंगे, लेकिन आर्म होल सीधा नहीं खींचेंगे, 1/2 इंच पीछे की तरफ ले लेंगे। साढ़े 7 इंच लिया है, लेकिन पीछे की तरफ 1/2 इंच कट दिया है। वेस्ट का मेजरमेंट भी जितना है उसका 1/4 प्लस 2 इंच ले लेंगे और ऊपर से जोड़ लेंगे। अब आर्म होल का शेप दे देंगे, थोड़ा नीचे करके देंगे, इससे फिटिंग्स बहुत अच्छी बैठती है। अब आता है नेक की बारी, जो हम लोग लेंगे 1/2 इंच चौड़ाई में, 3 इंच और डीप में 1/4 इंच, 1/2 इंच या 1/4 इंच जितना हम लोग सिलाई में दबाएंगे, और आर्म होल की तरफ भी शोल्डर बैक को भी हम लोग 1 इंच डाउन करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ब्लाउज शोल्डर की तरफ उठा हुआ रहेगा। अब बैक पार्ट की कटिंग हो चुका, अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। इसके लिए कपड़े को फिर से 2 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे, इस बार खुला हुआ भाग, क्योंकि ये फ्रंट ओपन ब्लाउज है इसलिए खुला हुआ साइड, इस तरफ से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये 2 इंच हम लोग लेंगे कटोरी के लिए, क्योंकि कटोरी हमेशा ही थोड़ा बड़ा बनता है। अब बैक पार्ट को 2 इंच को छोड़ते हुए बिठा लेंगे और आर्म होल और अब उसको छाप लेंगे। आप लोग चाहे तो फिर से ड्रॉ भी कर सकते हो बैक पार्ट के अकॉर्डिंग, मैंने यहाँ पे नहीं किया, बैक पार्ट को सीधा बिठा लिया और शेप को पूरा ड्रॉ कर लिया। अब बैक पार्ट को उठा लेंगे, अब आर्म होल को थोड़ा दबा देंगे, क्योंकि ये फ्रंट आर्म होल है, ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक की कटिंग, नेक जितना आप लोगों को चाहिए होगा उतना ही डीप ले कर ले, उसके साथ 1 इंच ऐड कर ले, क्योंकि कटोरी में 1 इंच सिलाई मार्जिन दबेगा, इसलिए 1 इंच ऐड करके नेक की ड्रॉ कर लीजिए। नेक की ड्रॉ हो चुके, अब लेंगे बस पॉइंट, उसके साथ 1.5 इंच ऐड करके, बस पॉइंट जितना लिया है उसके साथ 1.5 इंच ऐड करके पॉइंट लगा लेंगे, और कटोरी के लिए हम लोग लेंगे फुल बास्ट का 10.25 इंच, उसे 1 माइनस कर देंगे, 9.25 इंच पे मार्क कर लिया है, और इस मार्क के दोनों तरफ नीचे के तरफ 1 इंच
पे मार्क करेंगे और ऊपर की तरफ 1.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। फ्रंट के साइड पे भी 1.5 इंच पे, फ्रंट के साइड कटोरी के फ्रंट के साइड 1.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे कटोरी का जितना है और चारों पॉइंट को मिला देंगे। अब आता है नीचे की बड़ी, ये लेंगे हम लोग। एक्चुअली आता है फुल बस का 13 चतुर्थ भाग और उसके साथ 1 इंच एड, हम लोग डायरेक्ट इसको 4 इंच पे मार्क कर लिया है क्योंकि ये बिग साइज ब्लाउज है। फ्रंट की तरफ 1 इंच अप कर लेंगे, इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे जितना आया है उससे 1 इंच ऊपर कर लेंगे क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे गया जाए कटोरी में 1.5 इंच प्लस 1 इंच 2.5 इंच आएगा, तो हम लोग सिलाई मार्जिन के छोड़ते हुए 3 इंच पे मार्क लगाएंगे। मार्क लगाया और उसको ऊपर की तरफ 1.5 इंच ऊँचा नेक के साइड हम लोग लेंगे 3 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे के कटोरी के साथ उसको भी जोड़ देंगे और कटोरी के साइड को नेक के साइड मिला देंगे और कटोरी को थोड़ा गोलाई दे देंगे, इससे कटोरी सुंदर बैठता है। अब यह जितना है उसको मार्क लगा लेंगे, उससे 1/2 इंच ज़्यादा हम लोग बेल्ट कटिंग करेंगे। जितना आया है नीचे का पार्ट उससे 1/2 इंच ज़्यादा मार्क करेंगे। अब ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरी कटिंग अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोगों का ब्लाउज का कटिंग फ्रंट पार्ट का ऑलमोस्ट हो चुका, अब हम लोग बेल्ट की कटिंग करेंगे जो हम लोगों ने नाप लिया था। अब आएगा बेल्ट जो हम लोग फिर से ले लेते हैं। बैक पार्ट को यहाँ को बिठा के मार्क लगा लेंगे और जितना है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट बना। बैक पार्ट जितना है चौड़ाई में उतना ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। हम लोगों के बेल्ट की कटिंग भी हो चुकी है। साइड वाला पार्ट को मार्क कर लिया है, अब स्लिप्स की कटिंग करेंगे। इसके लिए बैक पार्ट ले लिया है और आर्म होल की मेजरमेंट लेंगे जितना है, उसके साथ 1 इंच ऐड करके स्लिप्स के कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे, यानी 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। 2 फोल्ड में भी कर सकते हैं। लंबाई जितना उसके साथ 1 इंच ऐड कर लीजिए अगर पाइपिंग लगाना हो, अगर उसी कपड़े को फोल्ड करना है तो 2 इंच लेना पड़ेगा। अब ब्लाउज की लंबाई जितनी है ऊपर से नीचे
थ्री इंच पे मार्क करेंगे और साइड से डेढ़ इंच पे, यहाँ से भी थ्री इंच पे मार्क करेंगे और दोनों मार्क को टू इंच दोनों मार्क को जोड़ लेंगे, या डेढ़ इंच भी ले सकते हो और टू इंच भी ले सकते हो। अब यहाँ स्लीव्स की, ये हो गया फ्रंट वाला पार्ट, ये हो गया बैक वाला पार्ट, और हाँ मोहरी जितना हो उसका 1/4 हाफ लेके उसके साथ 2 या 2.5 इंच जोड़ लेंगे। अब स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब 2 फोल्ड को खोल लेंगे और फ्रंट की कटिंग कर लेंगे, फ्रंट पार्ट की। यहाँ पे मार्क लगाएंगे ताकि सिलते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोगों का ब्लाउज कट के रेडी हो गया। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।